धौलपुर जिले में कल कड़ाके की सर्दी ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले दो दिनों में जिले का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। वहीं पुलिस ने सकारात्मक पहल का परिचय देते हुए गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़े वितरित किए। जिले के सभी पुलिस थानों में SP की मौजूदगी में जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। गौरतलब है कि पुलिस ने DGP के निर्देश में नवाचार की शुरुआत की। नए नवाचार में पुलिस का समाज के प्रति सकारात्मक रूप देखा गया। नव वर्ष के इस मौके पे राजस्थान प्रदेश में, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि ठंड इस साल बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हमारे पुलिस के मुखिया श्रीमान DGP महोदय के निर्देशानुसार और IG साहब भरतपुर जो हैं उनके मार्गदर्शन के अनुसार जो है ये एक नवाचार राजस्थान पुलिस की तरफ से किया गया है, जिसमें कि गरीब और ऐसे लोग जिनको ठंड में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो राजस्थान पुलिस की तरफ से, धौलपुर पुलिस की तरफ से अपने स्तर पर कंबलों का तथा स्वेटर तथा गर्म टोपी, इन सभी चीज़ों का क्रय जो है अपने स्तर पर किया गया और वितरित जो है आज किया गया, जिसमें विशेष रूप से CO सैपो, SHO सैपो, इनकी विशेष भूमिका रही है और काफ़ी भामाशाहों का भी इसमें योगदान रहा है।